आखिर कलकत्ता के बच्चे जो है इतना पीछे क्यों है? आप जब किसी भी मोहल्ला एरिया में जाएंगे तो आज जो है देखेंगे कि बहुत ही रेयर रिजल्ट है जो एमबीबीएस के लिए बच्चे क्वालिफाई किए या नीट का। लेकिन यहीं पे हम लोग अगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं जो ग्राम साइड है गांव के, कि कहते हैं कि डॉक्टर बनना एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक निम्न वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही कठिन माना जाता है। लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में और करोड़ों में, लाखों और करोड़ों में खर्च है एक डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आपने हर एक एक तबके के लिए ये मुमकिन करा पाया है। ये कैसे जो आदमी हमारे बच्चे के लिए रात का 2 बजे तक जाग सकता है, उनको वक्त दे सकता है, तो यही है जो हमारे बच्चों को कामयाबी तक ले जा सकता है। कोटा भेजने के बाद होता क्या कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम सुन करके तो आप भेजते हैं बट गाइडेंस सही नहीं होने की वजह से बच्चे पूरा डाइवर्ट हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा रहा था, इन चीजों को कमी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक एटमोसफेयर क्रिएट किया। और मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं 24 घंटा रह रहा हूँ। हमारे यहाँ सेंटर होगा सातरागाछी में, कलकत्ता से एकदम नजदीक होगा। सातरागाछी में नयाबाज बोल के जगह है, वहीं पे जो जो सातरागाछी कारपोरेट वाला सिस्टम होता है, बच्चे आए पढ़ाई किए, टीचर से आया, लेक्चर दिया, 1 घंटा आधा घंटा जो भी हुआ लेक्चर दिया, निकल गया। उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है पूरे के पूरा जो है उनको एक बिजनेस मोड में उनके साथ डील कर, और हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास जो बच्चा आ गया, जो एक टाइम पे फीस एक फाइनल हो गया, वो हो गया, उसके बाद से वो बच्चा हमारा हुआ। हम लोग उसके ऊपर पूरा अपना जानो लगा करके खटते हैं, सारे टीचर्स को लगाते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो पर्सनल से हम लोग सारे टीचर्स को लगाते हैं। पर दोस्तों, मैं फिलहाल आ चुका हूँ अचीवर साइट में। कहते हैं ना, सफलता का रास्ता केवल सफल व्यक्ति और सफल राह पर चलते ही प्राप्त हो सकता है। इसी सफलता के राह पर चलते हुए अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अचीवर साइट में, और मेरे साथ उपस्थित है इरफान सर। इरफान सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बड़े दिनों से हम लोग इरफान सर हर तरफ जहां पे भी देख रहे हैं, अभी फिलहाल अचीवर साइट की चर्चा कहा जा रहा है। इस साल आपका जो नीट का रिजल्ट हुआ और साथ ही साथ बीते कुछ सालों से आपके नीट के जो रिजल्ट है वो सफलतापूर्वक आपको एक ख्याति देते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप क्या कहना चाहेंगे इस साल के रिजल्ट और इस साल के बच्चों की तैयारी के साथ? सबसे पहले इंडिया आई न्यूज के सारे ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। अचीवर साइट सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक इमोशन है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के सपनों को पूरा करने में अपने दिलो जान से मेहनत की है, और आज बहुत सारे बच्चे कामयाब हो करके मेडिकल कॉलेजेस में हैं। इस साल का रिजल्ट और भी चौंकाने वाला रहा कि ऐसे सिचुएशन में भी जहाँ पे नीट में बहुत सारे तरह का चीज़ें देखने मिला, उस हाल में भी आज हमारा एक बच्चा जो है एम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, ये हमारे कोचिंग के लिए भी बहुत ही प्राउड का बात है कि पहली बार जो है कोई बच्चा हमारे यहाँ से चांस पा करके अब एम्स में भी गया है। इससे पहले हम लोग बोलते थे कि वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हैं, लेकिन आज हम ये बोल सकते हैं प्राउडली कि हमारा यहाँ से एक स्टूडेंट हमारा जो शकील अनवर नाम है, वो अचीवर साइट से पास करके नीट का एग्ज़ाम एम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जो इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज होता है। और जब वो अच्छा रिजल्ट किया था तो आपका इंडिया आई न्यूज़ का टीम भी उसके पास गया था, उसका इंटरव्यू किया था, और इंडिया आई न्यूज़ का टीम जो है जब वो यहाँ पढ़ाई करता था तब भी उसका इंटरव्यू किया था, जब तभी उन लोग बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद हम लोगों ने कहा था इंशाल्लाह ये बच्चा हमारा एम्स के लिए तैयार हो रहा है और एम्स में जाएगा, और आज जो है वो एम्स के मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा है। सर इरफान सर, जैसा कि हम लोगों ने देखा है लगातार यहाँ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बड़े दक्ष तरीके से लगे हुए अपनी पढ़ाई में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, इवन पेरेंट्स भी आ रहे हैं हफ्ते में एक दिन। तो मैं देख रहा हूँ बच्चों का इतना इन्वॉल्व, बच्चे खुश हैं, वे कहते हैं कि यही हमारा दूसरा घर। तो कैसे आपने ये इतना शानदार इन्वॉल्वमेंट तैयार किया है? एक्चुअली जो बच्चे जो है बहुत सारे मतलब गार्जियंस जो सोचते हैं कि बड़े जगहों पे भेजें हम अपना बच्चों को, जैसे क्या होता है कि यहाँ कलकत्ता के गार्जियंस जो है बहुत सारा ज़्यादा जो है क्या होता है सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कोटा भेज दें। कोटा भेजने के बाद होता क्या कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम सुन करके तो आप भेजते हैं बट गाइडेंस सही नहीं होने की वजह से बच्चे पूरा डाइवर्ट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं खुद वहाँ पे पढ़ा रहा था, इन चीज़ों को कमी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक एटमोसफेयर क्रिएट किया। और मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं 24 घंटा रह रहा हूँ। हमारे यहाँ बायोलॉजी फैकल्टीज हैं जो खुद एमबीबीएस हैं, जो मतलब बायोलॉजी में अपने टाइम पे नीट का एग्जाम देकर के 360 में 360 ला करके आज वो यहाँ पे सारे बच्चों को हेल्प कर रही है। तो मतलब शी बेटर नो दैट हाउ टू अचीव 360 आउट ऑफ 360 नीट एग्जामिनेशन।
और वो इस तरह का गाइडेंस उनको बच्चों को कर रही है। प्लस मैंने केमिस्ट्री में आज हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, आज मैं अपना यहाँ पे बैठ करके सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। और हमारा सबसे पहला जो मोटो होता है कि बच्चे खुश रहे, पहले पहले खुश रहेंगे तो पढ़ाई ठीक करेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पूरा फैमिलियर माहौल को मेंटेन करते हैं, एटमोसफेयर को हम लोग अच्छा रखने का कोशिश करते हैं। सारे बच्चे जो भी यहाँ पे आते हैं वो हमारे लिए वो हमारे अपने बच्चे के बराबर होते हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये अचीवर साइट जो है ये कोई भी एक बिजनेस का जगह नहीं है, ये जो है एक इमोशन है जहाँ से हर एक बच्चे कामयाब होकर के जाए। और हमारे जितने भी आने वाले हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे उम्मीद लेकर आते हैं और गार्जियन उम्मीद लेकर के आते हैं, उनके बच्चे कामयाब हो यहाँ से। क्या बात है सर। सर देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं गार्जियन से मिला भी था, वो बता रहे थे कि सर मेरा बेटा, मेरी बेटी तैयारी कर ही रही है, इस साल नीट क्रैक हो गया नहीं हुआ, उसके साल बाद हो गया, उसके बाद हो गया, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अचीवर साइड पर उनका भरोसा बहुत ही ज्यादा है। तो ये भरोसा बनाने में आपको कितना समय लगा? एक्चुअली कहीं पर भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जो है पूरा का पूरा जो है क्या होता है कॉर्पोरेट वाला सिस्टम होता है। बच्चे आए, पढ़ाई किए, टीचर्स आया, लेक्चर दिया, एक घंटा आधा घंटा जो भी हुआ लेक्चर दिया, निकल गया। उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है पूरे के पूरा जो है उनको एक बिजनेस मोड में उनके साथ डील कर। और हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास जो बच्चा आ गया, जो एक टाइम पे फीस एक फाइनल हो गया वो हो गया, उसके बाद से वो बच्चा हमारा हुआ। हम लोग उसके ऊपर पूरा अपना जानो लगा करके खटते हैं, सारे टीचर्स को लगाते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो पर्सनल से हम लोग सारे टीचर्स को लगाते हैं, पर्सनली टीचर्स लोग लेकर के बैठते हैं रात के 10 बजे से लेकर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बच्चों को जो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पे उनका जहाँ पर भी डाउट्स होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। फिजिक्स टीचर्स हों, केमिस्ट्री के लिए हम खुद ही, बायोलॉजी टीचर्स हों, ये सारे लोग जो है पर्सनल वे में बच्चों को ट्रीट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि गार्जियन का जो है एक बहुत ज़्यादा एतमाद बढ़ जाता है, उनका भरोसा जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि भाई अगर जो आदमी हमारे बच्चे के लिए रात का 2 बजे तक जाग सकता है, उनको वक्त दे सकता है, तो यही है जो हमारे बच्चों को कामयाबी तक ले जा सकता है। सर आपके इस सफल रास्ते को आप किसको ये श्रेय देना चाहेंगे, जिस सफलता पे अभी पहुंचा है ये अचीवर साइट, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे सबसे? इस चीजों के लिए हमने मतलब सिर्फ ये देखा है कि ऑनेस्टी और हार्डवर्क सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हमने ना जब से ये इंस्टीट्यूशन को शुरू किया तब से जो है ऑनेस्टी से अपना काम करते गया कि ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प करें और जो है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को कामयाब कराएंगे। और जो है सबसे ज़्यादा जो है बच्चों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आया, क्योंकि बच्चे जो है बच्चे भी बहुत सपोर्ट किए। आज जो है जितने भी बच्चे यहाँ से पास होकर के निकले हैं वो सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं, आज कोई भी बच्चा यहाँ से हम लोगों से डिटैच नहीं। तो पास होने के बाद भी बच्चे आपका आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके साथ कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं, आ रहे हैं। और जो है सारे जो नए नए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं, अपने तरीके से गाइडेंस कर रहे हैं, उनका उनका डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उनके साथ मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनका कुछ कमी होता है तो लेकर के बैठ के वो लोग भी पढ़ाते हैं साथ में, ये सबसे पॉजिटिव। सर अभी अभी हम लोगों ने जैसा जाना कि आपका ये एक उलवेड़िया का यहाँ का जो सेंटर है, ऐसा ही एक सेंटर आप लोग अभी सत्रागाछी की तरफ में एक तैयार करने जा रहे हैं, तो ये सेंटर से संबंधित कुछ बताएं कि कैसे और किस तरीके से वहाँ पे ये सेंटर जो उलवेड़िया बिशीपुर में हम लोग कर रहे हैं, ये सेंटर को हमने 2020 से स्टार्ट किया था लॉकडाउन से। और उस टाइम से ही एरिया में था कि जब अल्लाह ने कामयाबी दिया तो और आगे जो है हम लोग एक और सेंटर करेंगे जो कलकत्ता के नजदीक हो। क्योंकि मैं भी कलकत्ता में रह के पढ़ाई अपना कंप्लीट किया, एमटेक किए, एमएससी किए, लेकिन हमारा हमेशा एक ये चीज़ दिमाग में रहा क्या रहा है, लेकिन वहाँ से बहुत सारे एमबीबीएस बच्चा निकलते हैं। तो रीज़न ये है कि उन लोग ये सारे जो बच्चे जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको एक सही गाइडेंस मिल रहा है और उनका चॉइस सही है, लेकिन हमारे कलकत्ता का जितने भी स्टूडेंट्स है या गार्जियन है उनका चॉइस भी सही नहीं है और उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं जाना चाहते, डिस्टेंस अगर जाएंगे तो एकदम इतना दूर चले जाएंगे कि कोटा चले जाएंगे, कोटा चले और नहीं तो क्या है कि आसपास में थोड़ा दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एक नया सेंटर जो है ये किया है जो 2025 के बैच के लिए होगा और उसका एडमिशन जो है हमारा फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेंटर होगा सत्रागाछी में, कलकत्ता से एकदम नजदीक होगा, सत्रागाछी में नयाबाज बोल के जगह है वहीं पे, जो सत्रागाछी रेलवे स्टेशन से भी 5 से 7 मिनट लगेगा, बस स्टैंड से भी जो है 2 से 3 मिनट लगेगा हमारे सेंटर तक जाने में।
और बहुत ही आसान कन्वीनियंट है कोलकाता के लोगों के लिए भी, जो बाइक से भी आ के अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। और बच्चे का रिजल्ट कराने के लिए जब तक ये रेसिडेंशियल सेंटर में नहीं आएंगे अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। आज कोलकाता को हम लोगों ने क्या दिया ये कोलकाता वाले को पता है। आज आप राजा बाजार के एरिया में जाएंगे, जो भी बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं। घुसुड़ी एक ऐसा जगह है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ रहा है, घुसुड़ी है, मुस्लिम आबादी भी है वहाँ पे। वहाँ पे मुस्लिम आबादी के अंदर जो है कोई भी लड़कियाँ लड़की कोई भी MBBS नहीं थी आज तक। पहला जो है अचीवर साइट है जो आज 3 बच्चे जो है MBBS कर रहे हैं वहाँ से, और वो भी गर्ल्स जो है 3 लड़कियाँ जो है वहाँ से कामयाब होकर के MBBS कर रही हैं। जो अचीवर साइट की प्रोडक्ट है, अचीवर साइट से पास आउट हुई, उनको कामयाब होने में अचीवर साइट ने मदद किया। क्या बात है सर। अभी फिलहाल जैसा हम लोगों ने जाना कि तकरीबन पहले की तुलना में आपके यहाँ बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मोर देन हाईएस्ट 200 स्टूडेंट्स आप लेकर के चल रहे हैं। तो सर इतने बड़े मतलब एक पूरे फैकल्टी को चला पाना, क्योंकि रेसिडेंशियल क्लासेस चलते हैं यहाँ नीट के, बच्चों का रहना यहीं पे, खाना यहीं, पढ़ना सब कुछ तैयारी 24 आवर उन पर ध्यान, 200 बच्चों को 24 आवर इंटू 1 ईयर पूरा लगातार आप जो तैयारी, कैसे आप ये पूरा पूरी मैनेज कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इंटरेक्शन हमारे सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा, और हम थैंकफुल हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, स्टाफ से लेकर के फैकल्टीज से लेकर के ऑफिस स्टाफ हो, किचन स्टाफ हो, या फिर जो भी हमारे मतलब यहाँ तक के जो दरवान तक जो है मतलब गेट कीपर तक, सब बहुत ही अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है। सब लोग के दिमाग में ये होता है कि अचीवर साइट इज नॉट द अचीवर साइट ऑफ इरफान सर, और सच्ची में ये इरफान सर का नहीं है, ये सबका है, सबके लिए। और वो लोग भी सारे ये समझते हैं कि ये हमारा संस्था है, हमारे कौम को आगे लेके जाना है, हमारे बच्चों को कामयाब कराना है, तो हम लोगों को भी एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होना चाहिए, अच्छे से हमको सारे बच्चों को केयर करना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े और कामयाब हो सके। सर कुछ सवालों में एक सवाल ये भी कि कहते हैं कि डॉक्टर बनना एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक निम्न वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही कठिन माना जाता है। लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में और करोड़ों में, लाखों और करोड़ों में खर्च है एक डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आपने हर एक एक तबके के लिए ये मुमकिन करा पाया है, ये कैसे आपने ये विचार लाया कि हम ये कर सकेंगे? एक्चुअली जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन था कि यानी मेडिकल करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को या गार्जियन को जो है 1 लाख रुपया या 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया का इंतजाम करके रखना होगा। जब मैं एज ए टीचर जब डेब्यू किया तो देखा कि ये बड़ा आसान है, अगर बच्चे अगर सही से मेहनत करते हैं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो फिर वहाँ उनके लिए बहुत ही मिनिमम खर्च में जो ना के बराबर है वो उसमें वो मतलब MBBS कर सकते हैं। फिर हमने मतलब ठाना अपना स्टार्ट किया मुहिम जो है 2010 से ही पढ़ाना मैंने शुरू किया मेडिकल के लिए। सबसे पहला रिजल्ट जो है MBBS के लिए WBJ WB में हमने दिया था 2007 में, एक बच्चा मेरे यहाँ से पास किया, वहाँ से हमको बहुत हिम्मत मिला। उसके बाद जब ये रेसिडेंशियल सेंटर हमने किया तो इस वक्त में क्या है कि 2021 में हमारे जो बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए, लेकिन 2021 का जो सबसे जो मेरा USP वाला जो बच्चा था वो 2 बच्चा था, एक हसीना सुल्ताना जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और आज हमारे यहाँ पे बायोलॉजी फैकल्टीज भी है, और दूसरा जो है अरिबन है जो बांकुड़ा समिलानी मेडिकल कॉलेज। ये दोनों ही बच्चे जो है ये अचीवर साइट के जान है। क्या बात। और इन लोगों ने सबसे पहला एक जो सबसे बड़ा काम किया, ये 2 बच्चा ना ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन करके ये ना हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भर दिया कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है MBBS का स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भेज सकते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इन लोगों के रिजल्ट से, बहुत बेहतर रिजल्ट से। सर अचीवर साइट केवल बंगाल, हावड़ा, कोलकाता ही या फिर इसके बाद दूसरे शहरों में भी आप बढ़ने की तैयारी में? इंशाल्लाह हम लोगों ने मतलब अभी कोशिश की है। पहला एक ये सेंटर था हमारा, 4 साल से चल रहा है। उसके बाद हमने सेकेंड सेंटर का अभी फाउंडेशन किया है, बुनियाद रखा है। 2025 के बैच का एडमिशन शुरू हो जाएगा उसके लिए, 2025-26 का बैच के लिए स्टार्ट हो जाएगा, वो 7 रागाछी में होगा। उसके बाद अभी और जो है हम लोग कोलकाता और वेस्ट बंगाल में और सेंटर्स करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अदर स्टेट्स की तरफ भी मूव। क्या बात है सर। सर 25-26 के जो बैच के लिए आपके यहाँ तैयारियाँ हैं उसके बारे में भी कुछ बता दें, कुछ नए नए कुछ प्रोसीड्यूर या कुछ चेंजमेंट आपने लाया है अचीवर साइट की तरफ से, वो भी बताएं।
25-26 का जो भी मतलब बच्चे जो है अभी हमारे यहाँ जो 2025 के लिए जो बच्चे अपियर्स होंगे उनके लिए सिलेबस जो था वो तो सेम है। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जब यानी हम लोग मार्च मंथ में इंटर करते हैं, फरवरी और मार्च में पर डे हम लोग टेस्ट लेते हैं जी। और ये जो पर डे 720 का मॉक टेस्ट जो होता है यहाँ पे हम लोगों के यहाँ मिनिमम 45 मॉक टेस्ट होता है। 45 मॉक टेस्ट का मतलब हुआ 9000 क्वेश्चंस। ये लास्ट मोमेंट में 9000 क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारा हम लोग मार्केट में सुनते हैं टेस्ट सीरीज, बट टेस्ट के बाद में उनका डाउट्स क्लियर होना, जो बच्चे जहाँ पे वो प्रॉब्लम को क्रिएट हुआ एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को वो उनको साथ साथ सॉल्व कर देना, बता देना, ये सिर्फ अचीवर साइड में मुमकिन है। और ये मुमकिन इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि हमारा सारे टीचर्स जो हमारे रेसिडेंशियल है और हम लोग खुद ही A1 सेट ऑफ सीनियर टीचर्स जो है हमारा ये अचीवर साइट का ही है, जो अचीवर साइट के जान। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे बने रहने के लिए। देखा आप लोगों ने हमारे साथ बस थे इरफान सर, जिन्होंने अचीवर साइट को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि आज हर एक घर का बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, अपने सपने को साकार करना चाहता है और एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करना चाहता है, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ उपस्थित होते जा रहे हैं अचीवर साइट में। सो आप भी इंतजार ना करें और तुरंत से भेज दे अपने बच्चे को अचीवर साइट में। इसका दूसरा भी ब्रांच कोलकाता के 17 गाछी क्षेत्र में ओपन होने जा रहा है। इसकी और भी ज्यादा जानकारी आपको नीचे दिए लिंक पर प्राप्त हो जाएगी। सो बने रहे हमारे चैनल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।